जुलाई को पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि के खिलाफ राजद का राज्यव्यापी आंदोलन के तहत कटिहार में भी निकाला जाएगा साइकिल जुलूस। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अस्फाक करीम भी होंगे शामिल। राजद जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाकर राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस के साथ 5 किलोमीटर तक का सफर करेंगे। देखिए, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदा बाबू के आह्वान पर ये जो आगामी 5 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है साइकिल जुलूस, साइकिल रैली, ये पूरे बिहार में पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर और जिला मुख्यालय ये कार्यक्रम होना है। इसका समय पूरे बिहार में हर जगह 11 बजे दिन को रखा गया है। उसी के तहत कटिहार जिला मुख्यालय में हम लोग आदरणीय हमारे राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अस्फाक करीम साहब की अगुवाई में हम लोग कटिहार टाउन हॉल के प्रांगण में जमा होंगे और 11 बजे दिन में हम लोग शहर के मुख्य सड़क के द्वारा आम जनता तक इस बात को रखेंगे। और ये जो कारण है बढ़ती हुई महंगाई, इस महंगाई में डीजल और पेट्रोल का दाम जिस ढंग से सरकार ने बढ़ाया है, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार और ये जो काम करने का तरीका इन लोगों का है, इससे आम गरीब गुरबा परेशान है। अब देखिए कि डीजल पेट्रोल का दाम जो बढ़ा, इससे आम जनता पर भार पड़ रहा है और आम जनता पर भार पड़ने का मतलब बस भाड़ा बढ़ गया, टेम्पू भाड़ा बढ़ गया और किसान तो बर्बाद है। एक तो फसल का दाम नहीं, दूसरा अब समय खेती का आ रहा है तो ये डीजल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ता हुआ अपराध, लूट, ये जो बलात्कार, ये बिहार में जो डबल इंजन की सरकार जिस ढंग से आम जनता का शोषण कर रहा है, इस तमाम मुद्दा को लेके हम लोग आगामी 5 तारीख दिन रविवार को पूरे शहर में साइकिल जरूर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। धन्यवाद।